उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर्स समिट के लिए 3 दिन के लिए यूएई के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यूएई में बन रहे हिंदू मंदिर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने ईंट रखकर कार सेवा की और कहा कि ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि यूएई में हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। बता दें कि इसका वीडियो सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर शेयर किया है। यूएई में हिंदू मंदिर जो यहाँ बन रहा है बहुत ही अद्भुत है और पूरे हिंदू धर्म को यहाँ पर स्थापित किया जाने का काम, इस मंदिर के निर्माण का काम हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस अवसर पर सभी निर्माणकर्ताओं को, सभी इसका संयोजनकर्ताओं को, प्रमुख स्वामी जी महाराज को नमन करता हूँ, साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि उनकी प्रेरणा से भी इस मंदिर का काम हो रहा है और उन्हीं के कर कमलों से आगे ये मंदिर का जो शिला पूजन से लेकर यहाँ पर इसके उद्घाटन का भी जो है कार्यक्रम होना है, तो आज कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर हमको मान सम्मान पहचान और लोगों के बीच में सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये उनका करिश्माई नेतृत्व है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। विदेश की धरती पर इतने भव्य मंदिर के बनने की खुशी सीएम धामी के चेहरे पर दिख रही थी। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ही मंदिर का काम हो रहा है। वहीं उन्होंने मंदिर के सभी निर्माणकर्ताओं और संयोजनकर्ताओं को नमन किया। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी सोमवार को इन्वेस्ट इन उत्तराखंड अभियान के तहत 3 दिन के लिए यूएई पहुंचे थे, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं इस दौरे पर पुष्कर सिंह धामी ने दुबई में रोड शो किया, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और NRI उद्योगपतियों को संबोधित किया और कई कंपनियों के साथ करोड़ों के MOU भी साइन किए। बता दें कि इन सब की जानकारी खुद सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर दिया। MOU की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि दुबई में विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 6,475 करोड़ रुपए और पहले दिन कुल 11,925 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए गए हैं।